हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक वीडियो आ चुकी है जहां पर पांच केमिकल स्टॉक्स से रिलेटेड आपको बताया गया है। केवल नाम देख के यहां पर कुछ भी जज मत करिएगा, जाके वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, टेक्निकल देखिएगा, ताकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ सके कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको ईजी होगा आपको एंट्री और एग्जिट लेने में। तो इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए सपोर्ट बहुत की बहुत जरूरत है आपके। आपने दोबारा वीडियो को देखना कम कर दिया है, तो जाके देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और नीचे नंबर दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर, इन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज और हमारी फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले एशियन ग्रैनीटो। एशियन ग्रैनीटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका राइट इंटाइटलमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। दो तीन दिन पहले, चार दिन पहले वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था 5 तारीख एक डेडलाइन है जहाँ पर आपको राइट इशू को या तो भेज देना है या फिर अप्लाई करना है, तो 10 तारीख तक आप कर सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं करना था तो आई होप आपने यहाँ पर जो राइट इशू थे वो यहाँ पर भेज दिए होंगे, और अगर किसी को अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपके लिए एक यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है वो लाइव करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और इस शेयर में क्या हो सकता है, चार्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 11% की उछाल थी, तो उससे रिलेटेड बातें करूंगा। और राइट इंटाइटलमेंट जो हमारे है उसमें पार्टिसिपेट करने से आपको क्या फायदा हो सकता है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सपोर्ट और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राइट इंटाइटलमेंट से रिलेटेड आई होप सारे की सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व है, बट यहाँ पर देख लेते, सबसे पहले लिंक इन टाइम में जाके या फिर आपको जो भी शेयर मिले हैं वहां पर जाके आप देख लीजिएगा कितने शेयर मिले हैं। मेरे पास 2 अकाउंट है, तो एक अकाउंट में मेरे पास 176 शेयर थे, तो 217 शेयर मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए। तो अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो लिंक इन टाइम के थ्रू हो जाता था, बट यहाँ पर अभी इशू आ रहा है आई थिंक, तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। बट हम एसबा के थ्रू, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एसबा के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एसबा के थ्रू कैसे करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग पर जाना है, अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर दे रखा है आईपीओ और राइट इशू। जैसे ही आप राइट इशू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ले जाएगा, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ दोबारा कंटिन्यू करिए, और जैसे ही कंटिन्यू करेगा वो आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द राइट इशू और कॉल मनी, तो राइट इशू हमें अप्लाई करना है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद कौन से राइट इशू पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दीजिए। प्राइस क्या है, 63, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई, ओके अप्लाई। और क्यों अप्लाई कर रहा हूँ उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल्स दे रखी होगी ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पर जाना है CDSL पे। CDSL पे जाके आपको यहाँ पर अपना डालना है डीपी नेम। डीपी नेम क्या है, यहाँ पर जेरोधा, ओके यहाँ पर जेरोधा डालना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डालना है अपना अकाउंट जो आपका दे रखा है ओके, यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट दे रखा है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर यह मैंने आपको बताया था कि DPID और BOID यहाँ पर इंक्लूड करके जो डालेंगे ओके, वो यहाँ पर मान्य होती है, वो यहाँ पर पता चलेगी आपको कि क्या है। तो उस वो यहाँ पर आप जेरोधा में जाके या कहीं भी जाके यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ओके। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, बट स्टिल कोई नहीं, यहाँ पर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर सतर्क है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी ये आईडी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चले ओके। यहाँ पर मैंने अपनी आईडी डाल दी। इसके बाद देखिए 63 का प्राइस है, कितने शेयर के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 217 मुझे अलाउट हुए, तो यहाँ पर 217 के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो 217 के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पर ऑलरेडी है ओके, यहाँ पर अमाउंट आ गई, कितने अमाउंट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एग्री किया, और जैसे ही एग्री किया यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा, और जैसे ही प्रोसीड कर दूंगा यहाँ पर कंफर्म का आएगा, तो यहाँ पर मैं जैसे ही कंफर्म कर दूंगा तो एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड एज प्रोडक्ट कट ऑफ टाइम इज लेस देन करंट टाइम ओके, यहाँ पर इशू आ गया है, ये हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। राइट इशू ग्रैनीटो लिमिटेड ओके, वो टाइम आज शायद सैटरडे है, मार्केट बंद है, इस वजह से वो हुआ होगा, बट स्टिल यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल ऑर्डर टाइम ये हो गया ओके, ये ऑर्डर हो गया। क्वांटिटी से रिलेटेड यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने किया था तो वहाँ पर वो दिखा रहा था,
ओके लास्ट टाइम का ये दिखा रहा है ये शायद इस वजह से, बट आप इस तरीके से, ये एक आइडिया था जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से जाके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिड कर सकते हैं, यहाँ पर बिड करके आप यहाँ पर इस तरह ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस किस तरीके से अपनाना है वो आपको पता ही है, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि एसबा के थ्रू इस तरीके से अपना यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, ओके तो इसे कोई इशू नहीं है, यहाँ पर अभी क्लोज कर देते हैं फॉर नाउ। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगी, बैंकिंग आवर्स भी ओपन होंगे, तो यहाँ पर आप बैंकिंग आवर्स में एक बार अप्लाई करिएगा। मैं भी यहाँ पर 9 तारीख को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर सारी की सारी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड और मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। मेरे अप्लाई करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हमने एक जो रेशो होता है कि इतना पैसा ही इन्वेस्ट करना होता है, वो रेशो यहाँ पर ओवर ओवर मतलब ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट स्टिल कंपनी अच्छी है। क्यों अच्छी है, यहाँ पर कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, जिस तरीके के प्रॉपर्टी के, गोदरेज प्रॉपर्टी लोधा, किस तरीके से यहाँ पर नंबर आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हो। इनके क्लाइंट, इनके पास जो सेगमेंट है, इनका जो पूरा विजन है, ओके वो सब कुछ यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। और जिस तरीके से ये पहले इन्होंने राइट इशू लाया था तो डेट चुका दिया था, दूसरे राइट इशू से यहाँ पर ये ओपन करने वाले हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर गुजरात में शोरूम ओपन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा इनकी सेल्स पे और यहाँ पर सेल्स से बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी की बात करें सस्ता शेयर है, 9 के PE पे चल रहा है, 26 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है, ROCE ROE 12 और 10 के आसपास है। डेट की बात करें 36 के आसपास का ही डेट है, ना ज्यादा डेट है। 77 प्राइस चल रहा है, ओके हाई 132 का लगाया है। बुक वैल्यू की बात करें बुक वैल्यू 53 है और तो अभी भी थोड़ा जब मैं ज्यादा यहाँ पर बुक वैल्यू से है, इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास है, जो यहाँ पर दिखाता है कि शेयर ना तो महंगा है और ना ही यहाँ पर सस्ता नजर आता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक लंबी ग्रोथ, ओके हर्डल्स आते रहते हैं क्योंकि क्यों क्योंकि यहाँ पर ये माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं है, तो शेयर ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके की कथा इसके अंदर होती रहती है। और एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद चीजें यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है एक ही रेंज में। बट यहाँ पर देखेंगे इनके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने सारे पीयर से यहाँ पर ये काफी सस्ता यहाँ पर दिखाई देता है। और इवन इफ यहाँ पर बात करें कंपनी की, तो कंपनी का मार्केट कैप काफी सही ठीक ठाक है, इतना अगर 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी नजर आती है। सेल्स देखेंगे हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आ रही है, ओके कंपनी के नंबर एक्सपेंस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर कमी आ रही है, ओके बट धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंपनी दोबारा परफॉर्म करेगी और जैसे ही परफॉर्म करेगी शेयर प्राइस भी ऊपर जाना ही जाना है। तो यहाँ पर फिर भी स्टिल कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का लगातार एक ग्रोथ है। 2007 में 170 करोड़ की सेल्स थी, अभी 1500 करोड़ की सेल्स है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग लगातार यहाँ पर कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे है, कैश भी कंपनी के पास है, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए बड़ी है, FIs ने बढ़ाई है और DIs की बात करें, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 70% मतलब कम होते हुए नजर आए शेयर, बट स्टिल काफी लोग यहाँ पर अभी भी पोजिशन होल्ड करके बैठे है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए जैसे ही हम राइट इशू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओके राइट इशू अप्लाई करने के बाद होगा क्या, राइट इशू अप्लाई करने के बाद वो लिस्ट होगा और जैसे ही यहाँ पर एक लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, शायद ये 20 के बाद यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है इसी महीने में, और जैसे ही लिस्ट होगा तो एक प्राइस पे लिस्ट होगा जो कि एवरेज प्राइस होगा, और मोस्टली एवरेज प्राइस क्या होगा, इसका एवरेज प्राइस आएगा लगभग 100 रुपए के आसपास, 90 से 100 रुपए के आसपास यहाँ पर प्राइस आएगा। अभी हमारे पास शेयर है, ओके जो भी शेयर है मान के चलिए 135 पे हमने यहाँ पर बाई किया है, 135 का हमारा प्राइस आ रहा है, 135 और प्लस में ये, ओके और जो प्राइस हमारा निकल के आएगा तो कहीं ना कहीं हम 90 और 100 के आसपास आ जाएंगे, ना तो हम लॉस में होंगे और ना ही हम यहाँ पर इस केस में प्रॉफिट में होंगे। तो इस केस में क्या करना है, जब ये नो लॉस नो प्रॉफिट के केसेस पे आ जाए तो आप चाहो तो अपने थोड़े बहुत शेयर या आधे शेयर या जितने भी राइट एंटाइटलमेंट में आपने पैसे इन्वेस्ट किया, 13,000 14,000 15,000 1,00,000 जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। शेयर को यहाँ पर याद रखिए भाग रहा है और शेयर ऊपर जाना ही है,
ओके, शेयर को ऊपर जाना है ही, और जैसे ही लिस्ट होगा तो एक प्राइस पे लिस्ट होगा, तब तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा, उस टाइम आधे शेयर निकाल सकते हैं, आधे शेयर को जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, और कम से कम 3 से 4 साल की ग्रोथ स्टोरी होगी, क्योंकि 3 से 4 साल में ही यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट एक बार भागना शुरू किया तो याद रखिएगा शेयर रुकेगा नहीं, शेयर फिर यहाँ पर 600 700 और जो हमारे टारगेट आए हैं ना वो सब कुछ अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है जहां पर इसने बार बार सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आई है। तो इसलिए मैं इसमें अप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि अगर अप्लाई नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं उस केस में हमें लॉस होता हुआ नजर आएगा, बट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारा प्राइस एटलीस्ट एवरेज आ जाएगा, और हम नो लॉस नो प्रॉफिट में चाहे तो तब निकल सकते हैं, पूरे बेच सकते हैं, अगर हम पूरे नहीं बेचना चाहते तो एटलीस्ट जो राइट इशू में हमने पार्टिसिपेट किया है उतने शेयर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जब एक फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 120 के ऊपर निकला तो शेयर एक एक करके धीरे धीरे करके अपने लेवल को क्रॉस कर सकता है, बट नंबर भी सपोर्ट करने चाहिए। तो ये मेरा पूरा प्लान है, ये मेरा पूरा क्राइटेरिया है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ पर एवरेज प्राइस पे भी निकल सकता हूँ। अभी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा, सबके पोर्टफोलियो में यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट एवरेज यहाँ पर जब अप्लाई कर देंगे, जब ये राइट इशू यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, तो इसके बाद जब यहाँ पर शेयर प्राइस आएगा एक इसी प्राइस के बीच में आएगा, तो शेयर प्राइस हमारे प्राइस के आसपास आ जाएगा, उस केस में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई हो, और यहाँ पर समझ में आया हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप यहाँ पर लॉस में नहीं प्रॉफिट में या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकते हैं, तो इसके लिए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा जितना हो सके, ताकि हम इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरीके की वीडियो बनाते रहे, तो ऑल का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।